स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शनिवार को प्लाग रन का आयोजन बैटमा नगर परिषद के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें नगर के डिफेंस एकेडमी के प्रशिक्षुओं ने रैली निकालकर पूरा बाजार चौक में स्वच्छता जागरूकता को लेकर एक बेहतरीन अभिनय नाटक का प्रदर्शन कर स्वच्छता का संदेश दिया। नाटक के माध्यम से उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान केवल फोटो सेरेमनी तक ही सीमित कार्यक्रम नहीं रहना चाहिए, इसे निजी जीवन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। रैली अम्बेडकर चौराहे से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई नगर परिषद पहुंची, जहां आयोजित कार्यक्रम में नगर के स्वच्छता में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कर्मियों का शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान भी किया गया। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। परिषद को भी पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्र में सर्वप्रथम लाने की कोशिश करें। आज हमने देखा कि पीडीए के साथियों ने एक नृत्य नाटिका के माध्यम से बहुत ही छोटी छोटे जो चीजें होती है हमारे जीवन में, उसे बहुत ही सूक्ष्म रूप से समझाने की कोशिश की कि हम शहर और पर्यावरण तथा अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ओडीए प्लस में भी डबल प्लस रहा, और जिला पूरा इनकी बहन जिला पंचायत की अध्यक्ष कविता देवी पाटीदार अभी प्रदेश में महामंत्री, प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं जब भी बाजार जाऊंगा साथ में कपड़े की या जूट का थैला लेकर जाऊंगा। मध्य प्रदेश शासन के एवं मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के तहत आज एकेडमी के द्वारा के बच्चों के द्वारा एक विशेष प्रस्तुति दी गई नाटक मंचन के द्वारा स्वच्छता के उपलक्ष्य में, और स्वच्छता की प्रेरणा पब्लिक को दी गई एवं रन भी करवाया गया। इसके तहत विभिन्न मार्गों पर लोगों के द्वारा रैली निकाली गई एवं स्वच्छता का संदेश पब्लिक को दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।